हूँ आपके साथ बुशरा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं रायपुर से, जो है कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज होने वाली है, जिसमें शाम को मंत्रालय में ये बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे करेंगे और धान खरीदी, किसान मुआवजा, अतिरिक्त ये राशि पर चर्चा होगी। किसानों को बकाया राशि दिए जाने पर आ सकता है बड़ा फैसला और सब कमेटी के सदस्यों और विभागीय अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे करेंगे, धान खरीदी, किसान मुआवजे पर खासी चर्चा होगी, सब कमेटी के सदस्यों और विभागीय अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर रायपुर से, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज होगी, शाम को ये मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई है। तो बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे करेंगे। धान खरीदी, किसान मुद्दे, ये तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। तो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज शाम मंत्रालय में आयोजित की गई है, बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे करेंगे। और आपको बता दें, इस बैठक में किसान और मुआवजा, इन सभी जरूरी मुद्दे जो हैं उन पर बातचीत होगी। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता रूपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश, कैबिनेट सब बैठक आज होगी, जिसमें तमाम जरूरी मुद्दे चर्चा का विषय रहने वाले हैं, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, खेती को लेकर के जो किसानों की स्थिति है और धान खरीदी की जो प्रक्रिया है, उसके लिए मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया गया था और उसी की बैठक है कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में। और इस पर चर्चा की जाएगी कि जो किसानों का बकाया पैसा है वो कैसे दिया जाए, क्या व्यवस्थाएं की जाए, किस तरह की दिक्कतें धान खरीदी में आ रही है। 80 लाख मीट्रिक टन का टारगेट रखा था, लेकिन आधी भी खरीदी अभी तक नहीं हो पाई है, तो बाकी धान कैसे खरीदा जाएगा। हालांकि सरकार ये बयानों में कहती रही है कि जो छोटे किसान हैं उनके भी धान खरीदे गए हैं, बड़े किसान हैं जो कि ज्यादा क्वांटिटी में धान बेचते हैं, अभी उनके धान आने शुरू होंगे। लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उसको लेकर के तमाम जगह से शिकायतें आ रही हैं, प्रक्रियागत जो त्रुटियां हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, ये भी एक बड़ा मसला है। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि दरअसल किसान धान लेकर के खड़ा है लेकिन उसका धान नहीं बिक रहा है, और वो उसको बार बार टोकन कटाने जाना पड़ रहा है, कभी बारिश आ जा रही है, कभी कोई कुछ हो जा रहा है। तो अव्यवस्थाओं का जो आलम है, खास तौर से जो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों से खुले में धान खरीदते हैं, उनको अब डर लग रहा है कि कार्रवाई न हो जाए। और इसी के मद्देनजर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन दिक्कतों पर भी चर्चा इस उप समिति की बैठक में होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रूपेश। अगली खबर, जहां योगी आदित्यनाथ